नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, एसबीआई कार्ड में 4% से भी ज्यादा की तेजी एक दिन में आज दिखाई दी है। क्या है रीजन, अगर पूरा मामला नहीं पता वीडियो अंत तक देखिएगा। हर एक चीज में क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। अगर ऑलरेडी आपको ये न्यूज पता चल चुकी है तो भी इस वीडियो में जुड़े रहिएगा, आपको काफी सारी चीजें आपको उस एक न्यूज के ऊपर और एनालिसिस अच्छे से करके बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऑलरेडी सब्सक्राइब है प्लीज ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 4.14% की गिरावट, और ये एक काफी लंबे समय से आप देखिए जो एसबीआई कार्ड है उसमें रैली चालू थी दोस्तों। कैसे मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए एक महीने का चार्ट देखें जरा आप। इसने लगाया 730 का ड्रॉप और उसके बाद से एक बड़ी रैली इसने दिखाई लगभग 20% की। जी हाँ दोस्तों, 20% तेजी, और उसके बाद देखिए आज एक ही दिन में एक बार में 4% साफ। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ वैल्यूएशंस, ठीक है वैल्यूएशंस। और आपको याद होगा मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई न्यूज अच्छी हो या खराब वो एक स्टॉक में आती रहेगी जाती रहेगी। हमारा जो मेन फोकस है वो क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले उस स्टॉक के फंडामेंटल को चेक करें। अगर आपको उसके फंडामेंटल अच्छे लगते हैं, उसके मैनेजमेंट अच्छी लगती है और उसका बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है तो जब स्टॉक एक गिरावट आपको दिखा दे ठीक ठाक सी, उसके बाद उस स्टॉक में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना शुरू करें। देखिए अगर आपको बताएं ये आपको देखिए जो एसबीआई कार्ड है ये 730 के आसपास या मैं तो कहूंगा 750 के आसपास भी एक बहुत अच्छा लेवल था लॉन्ग टर्म में निवेश करने का। और जो भी लोगों ने वहां निवेश किया होगा या अपना एवरेज किया होगा, अब जब स्टॉक 20% तेजी दिखाया एटलीस्ट 10 to 5% के बीच एटलीस्ट वो मुनाफे में जरूर रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए जो ये आपको गिरावट तेजी दिख रही है, आप कह सकते हैं आज के दिन में माफ कीजिए गिरावट जो ये 4% हुई है उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, उसके पीछे का कारण वही है जो जब एसबीआई कार्ड अपने 50 वीक हाई था वहां से अचानक से तेज गिरावट हुई थी, और वो है कार्लाइल ग्रुप। देखिए एसबीआई कार्ड्स ब्लॉक डील लॉन्च्ड, कार्लाइल टू सेल एंटायर स्टेक। दोस्तों कार्लाइल ग्रुप ने पूरी की पूरी जितनी भी स्टेक थी उसकी एसबीआई कार्ड में उसे सेल कर दिया है, ठीक है। और देखिए द शेयर्स आर बीइंग ऑफर्ड इन द रेंज ऑफ 851 to 876 अ पीस, 850 से 876 के रूप में पर शेयर के बीच, इन दोनों जो प्राइस रेंज है उसके बीच में ये कह लीजिए ऑफर की गई है, रिप्रेजेंटिंग नियरली 3% डिस्काउंट टू द करंट मार्केट प्राइस। देखिए आज भले 4% गिरा है लेकिन जो ने डिस्काउंट दिया था वो 3% का दिया था, ठीक है। तो ये कार्लाइल ग्रुप अब पूरी तरह से अपने आप को एसबीआई कार्ड से निकालने की तैयारी में है दोस्तों, ठीक है। और आगे देखिए, आगे मैं आपकी चर्चा करूं उसमें, तो अब देखिए कार्लाइल इन 2017 हैड एक्वायर्ड 26% स्टेक इन एसबीआई कार्ड फ्रॉम जी प्रॉपर्टीज 22,000 करोड़। देखिए कार्लाइल ग्रुप ने 2017 में लगभग 26% का स्टेक अपना रखा था किसमें, एसबीआई कार्ड में। नाउ प्राइवेट इक्विटी फर्म कार्लाइल ग्रुप विल सेल इट्स एंटायर स्टेक इन एसबीआई कार्ड सर्विस लिमिटेड फॉर एज मच एज 2,558 करोड़ वाई ब्लॉक डील अकॉर्डिंग टू डी टर्म सीन बाई मनी कंट्रोल ऑन April 4। देखिए जो भी अपनी पूरी इनकी स्टेक है वो लगभग लगभग आप मान लीजिए 2,500 करोड़ से भी ज्यादा के जो एंटायर स्टेक को सेल करेंगे। नाउ सी ए रोवर होल्डिंग अ कार्लाइल एंटिटी विच एज ऑफ December 2021 क्वार्टर हैड 29.20 मिलियन शेयर्स और 3.09 स्टेक इन एसबीआई कार्ड विल सेल इट्स एंटायर स्टेक इन फ्रॉम थ्रू द ब्लॉक ट्रेड। देखिए जो सी ए रोवर होल्डिंग है, जो कौन है आप कह सकते हैं कि भाई जो कार्लाइल ग्रुप है उसकी एंटिटी, उसी की एंटिटी है, तो वो लगभग 3% की एंटायर एंटिटी को सेल कर रहा है 3% डिस्काउंट में, ठीक है, ऑन ए 3% डिस्काउंट। नाउ सिटी ग्रुप इज द सोल बुक रनिंग मैनेजर ऑफ टू द डील, और इस डील को कौन देख रहा है, सिटी ग्रुप दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए एसबीआई कार्ड्स बिगन ऑपरेशन 1998 एज अ जॉइंट वेंचर फॉर जी कैपिटल ग्रुप। ये तो देखिए अब क्या शुरू हुई थी ये हमको जरूर नहीं है, हमको ये देखना है कि भाई ये गिरावट क्यों हो रही है, आज ये गिरावट क्यों हुई, जो कार्लाइल ग्रुप है जो अब अपना एंटायर स्टेक दोस्तों आप कह सकते हैं जो भी इनका इसमें निवेश था वो सेल कर चुके हैं, अब बस सर्च करती है कि भाई क्या क्या इसमें अभी निवेश करना चाहिए, क्या हमें भी निकल जाना चाहिए। देखिए
जो निवेशक है वो आएंगे, निवेशक जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमारी नज़र हमेशा होनी चाहिए। देखिए SBI कार्ड मुझे बिजनेस बहुत ज़्यादा पसंद है। SBI कार्ड एज ए बिजनेस मॉडल आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि एक कभी ख़त्म होने वाला बिजनेस नहीं, तो बल्कि मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन चंक अभी भी बचा हुआ है जो क्रेडिट कार्ड से दूर है दोस्तों, और इसीलिए फ्यूचर बिजनेस मुझे क्रेडिट कार्ड का काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन देखिए इनके भी अपने चैलेंजेस हैं। पे नाउ कह लीजिए, बाय नाउ पे लेटर हो गया, आप कह लीजिए स्लाइस कार्ड्स आ रहे हैं जो आपको हर आपकी बड़ी खरीदारी को तीन भाग में पे कर सकते हैं, UPI हो गई, ये तमाम चीज़ें चैलेंज के रूप में खड़े हो रहे हैं एनालिस्टों का ये मानना है। प्लस जो कैशबैक्स ऑफर है, ठीक है, जो रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑफर हैं, ये इनके बिजनेस को कह लीजिए आप जो मार्जिन होते हैं उसे काफ़ी श्रिंक कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन लगातार बढ़ रहा है दोस्तों, चाहे वो SBI कार्ड की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम जो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री है उनकी बात कर रहा हूँ। लगातार आप कह सकते हैं भैया कि बिजनेस कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये क्या सेल करते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए आज के समय में आप जो भी बिजनेस देखेंगे उसमें आपको चैलेंजेस मिलेंगे, लेकिन क्या SBI कार्ड एक अच्छा प्लेयर है? जी हाँ बिल्कुल, SBI कार्ड के बाद दोस्तों SBI ब्रांचेस हैं। देखिए आपको मैं बता दूँ, जो कंपनीज हैं उन्हें अपने अपने खुद के ग्राहक या ब्रांच कह लीजिए कस्टमर को अगर क्रेडिट कार्ड देना है तो उन्हें जो आउटसाइड ऑफ ब्रांच कह लीजिए जो बाहरी कस्टमर है जो आपके बैंक में कस्टमर नहीं है उनको एक्वायर करने में बहुत कम पैसे लगते हैं। यानी SBI जिसकी ब्रांचेस आपको पता है, चाहे वो रूरल इंडिया हो चाहे वो अर्बन इंडिया हो, सबसे ज़्यादा किसकी है? SBI की है। और ऐसे समय में जो कस्टमर एक्विजिशन रेट है वो काफ़ी कम पड़ जाता है। देखिए एक एस्टिमेट के अनुसार बता दूं, अगर ₹1 लगता है बाहरी कस्टमर को एक्वायर करने में, तो अगर आपकी ब्रांच खुद के ही कस्टमर को एक्वायर कर रहे हैं तो आपको केवल 85 पैसा लगभग लगता है, ठीक है। और ऐसे में SBI कार्ड के SBI के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जो भी मिडिल इनकम ग्रुप है SBI की, कोई ना कोई कह लीजिए आप एक फैमिली का कोई ना कोई मेंबर SBI में अपना खाता ज़रूर खुलवा के रखता है दोस्तों, ठीक है। और मैं इसीलिए कहूँगा लॉन्ग टर्म निवेशक हैं बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर कोई बड़ी गिरावट हो, क्योंकि बाज़ार बहुत भाग चुका है, कोई बड़ी गिरावट हो और स्टॉक आपका अगर 550-700 या कह लीजिए 730 के आसपास वापस से मिलता है, मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए मॉर्गन स्टैनली ने ना कहा था कि भाई इसको 650 का सेल टारगेट देकर के 650 की बात कही थी, और जब इसने कहा था स्टॉक बहुत धड़ाम से गिरते हुए 730 तक आपको पहुंचते हुए दिखाया था। इसीलिए अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ नेगेटिव आती है या आपको बहुत 700 के आसपास मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर से ज़रूर इसमें निवेश बनता है दोस्तों। तो अगर ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और लेकिन देखिए इस पूरे वीडियो को एज एजुकेशन पर्पस लें, आप कोई भी पोजीशन बनाएं तो खुद रिसर्च करें या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लीजिएगा। तो ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक जुड़े धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।